गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग तो जानते ही होंगे, शायद मैं अपने गांव में आई हूँ, हमारी मायके में। तो यहाँ पर जो गांव की वीडियो है, वही वीडियो फिर से आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और गाइस, न्यू फ्रेंड है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो गाइस, मैंने तो बहुत दिन हो गया है अपने मायके में आ गई हूँ, ऑलमोस्ट 20 डेज होने ही वाले हैं, जाने का टाइम भी हो रहा है। तो मैं बहुत ही जल्द अपने ससुराल लौट जाऊंगी। तो आज मैंने मायके में कुछ कपड़ा वॉशिंग किए हैं, तो वही वीडियो आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, मैंने जो कपड़ा वॉश किया, कुछ कपड़े अपने आंगन पर डाल दिया और कुछ कपड़े मैंने ज़मीन पर ले जाऊंगी। ज़मीन पर ज़्यादा धूप है तो भारी जो कपड़ा है उसको मैं ज़मीन पर ही डाल दूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी सूख जाएगा। और ये जो मेरे साथ छोटा बेबी है ना गाइस, ये मेरी मम्मी होती है। हाँ, मेरी मम्मी ये मेरी यंगर सिस्टर्स की बेटी है। तो मैं जब आती हूँ उसी टाइम सिस्टर भी आती है, क्योंकि दोनों ही ससुराल बहुत दूर है। तो इसीलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं जे तुम जब आओगी मैं आऊँगी, मैं जब आती हूँ वो आते हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत दिनों के बाद सिस्टर के साथ मिलती हूँ, तो सचमुच दिन हम लोगों का बहुत अच्छा कटा है इतना दिन। तो शादी के बाद ना गाइस, सचमुच इतना दिन हम लोग एक साथ कभी नहीं बिताया। मेरा जाते जाते तो 22 डेज कंप्लीट हो जाएगा। सिस्टर को भी वो तो एक दो दिन के बाद ही चली जाएगी। तो अभी देखिए गाइस, अभी इवनिंग का टाइम है, तो इसलिए हमारा गांव में चारों तरफ सांग बज रहा है। लेकिन मेरी वीडियो ये दोपहर का वीडियो है, मैं नहाने से पहले ये कपड़ा वॉश किए थे और बालों में थोड़ा मेहंदी भी लगाया था इसीलिए। और वीडियो मेरा बेटा कर रहे थे, मैंने बेटे को बोला जी तुम थोड़ा वीडियो बना दो मेरे फ्रेंड्स के लिए, उनको भी तो कुछ वीडियो डालना है। तो इसीलिए ये गांव मेरी प्यारी गांव है, इस गांव को मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। इस गांव में मैंने जन्म लिए है, बड़ी हुई हूँ, और स्कूल कॉलेज लाइफ सब यहीं से है। तो इसलिए मैं ये गांव को इतना प्यार करती हूँ। और देखिए, सभी लड़की लोग अपने गांव अपने मायके में सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लड़की का ज़िंदगी तो ऐसे ही होते हैं, शादीशुदा हो जाने के बाद ससुराल जाना है। ये तो एक लड़की के लिए बहुत ही, क्या बताऊँगी, बहुत ही कष्ट होता है। तो अभी मैं कपड़ा उठा रही हूँ, धूप में बहुत अच्छी तरह से सूख गया है, तो इसलिए कपड़ा उठा लेती हूँ। मैंने बहुत दिन तक रही है तो बेड कवर सारा गंदा हो गया था, इसलिए हैंड वॉश कर दिया। आज जाने का भी टाइम हो गया, मम्मी जी घर में अकेले रहते हैं, मम्मी पापा उम्र हो गया है, तो इतना सारा कपड़ा मम्मी कैसे वॉश करेगी? वॉश तो कर लेंगे लेकिन उनका बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके काम को कंप्लीट कर रही हूँ। और कुछ दिन बाद फिर हम लोगों को पैकिंग करना पड़ेगा जाने के लिए। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।